राजकुंद्रा का नाम तो आजकल आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही राजकुंद्रा जो आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग में फंसा था और अब अश्लील फिल्म बनाने को लेकर गिरफ्तार हुआ है। राजकुंद्रा के केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में राजकुंद्रा के ऑफिस पर मुंबई पुलिस ने फिर से छानबीन की थी और सीक्रेट लॉकर मिला है। वैसे हर किसी के घर पर एक सीक्रेट लॉकर होता है। आपके और हमारे घर पर भी ऐसे ही लॉकर होंगे जिसमें अपने कीमती सामान रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो राजकुंद्रा की हो रही थी, तो घर, लॉकर, ये सब बातें कहां से आ गई। तो चलिए बिना देर किए आपको राजकुंद्रा के ऑफिस ले चलते हैं और सारे राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल राजकुंद्रा के ऑफिस पर मुंबई पुलिस ने छानबीन की थी। पुलिस को छानबीन में एक छिपा हुआ लॉकर मिला है जिसमें कई सारे कागजात हैं। पुलिस ने इनको जब्त कर लिया है। अगर आपने 90 के दशक की फिल्मों को देखा होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि कई फिल्मों में पुलिस रेड मारती है और उसे एक सीक्रेट लॉकर मिलता है जिसके जरिए वो असली विलेन तक पहुंचती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब फिल्मों में ना होकर रियल लाइफ में हो रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को अंधेरी वेस्ट में स्थित राजकुंद्रा के दफ्तर वियान कंपनी में फिर से तलाशी की थी। यहाँ पुलिस ने एक लॉकर को जब्त किया। बताया गया है कि इस लॉकर को दफ्तर में छिपा कर रखा गया था। इसमें बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच इनका अध्ययन कर रही है। राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच इस मामले में आर्थिक गड़बड़ी के एंगल की भी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को ऐसी आशंका है कि राजकुंद्रा ने कथित पॉर्न मूवीज बनाकर काफी पैसा कमाया जिसे उन्होंने क्रिकेट बैटिंग और क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। सीक्रेट लॉकर तो पुलिस के हाथ लग गया है। अब देखना होगा कि फिल्मों की तरह पुलिस कितनी जल्दी असली राजदार का खुलासा करती है, क्योंकि देश जानना चाहता है कि राजकुंद्रा ने इसके जरिए कितने पैसे कमाए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को साथ ही शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।